There is good news in this wonderful country called India. A 12-year-old school kid has hit the headlines after writing a letter to Prime Minister Narendra Modi to ensure clean air. Ridhima says she wrote the mail as she fears soon children will go to schools carrying oxygen cylinders instead of bags. She is India's answer to Greta Thunberg. Take a look. She is India's very own Greta Thunberg. Just like the 17-year-old Swedish activist, Ridhima Pandey is fighting climate change. The 12-year-old from Haridwar has written a letter to Prime Minister Narendra Modi, urging stringent action against polluters. In the letter, Ridhima says the blue skies and clean air witnessed during lockdown were an eye-opener. लॉकडाउन से पहले एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि एक टाइम पे मेरे को और कई लोगों को, और मैं सोचती हूँ कि ये ख्याल आया होगा कि अब इंडिया में हम लोगों को साफ हवा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ये हमारी गलती है और हमारी गलतियों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एंड एट द सेम टाइम कोई भी चीज़ को करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन खुद ब खुद इतना चेंज हो गया। तो जब हम अपनी लाइफस्टाइल में अपने जो हमारा डेली लाइफ, हमारा जो हम इमिशंस करते हैं, अगर हम उसे कम कर दें तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। Ridhima fears soon school children will have to carry oxygen cylinders instead of school bags. जो मेन जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है कि वो जितने भी रूल्स और नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, और जो लोग जो लोग पोल्यूशन इतना बढ़ा रहे हैं, पोल्यूटर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो अगर वो उन पोल्यूटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, उन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दें, तो ये जितनी भी इश्यूज हो रही हैं वो नहीं हो। अगर हमने अभी पोल्यूशन नहीं रोका तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी, बहुत बड़ी नेसेसिटी बन जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं ऑक्सीजन अपने स्कूल बैग की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने स्कूल जाऊँ। रिद्धिमा वाउस टू कीप द फाइट ऑन। Bureau Report, India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.